तो दोस्तों आज देख लीजिए नए नए चेहरे लेके आया हूँ आपके लिए। जगह तो नहीं वैसे भी लाया हूँ लेकिन नए चेहरे भी लाया हूँ। तो आज हम सब ने मिल के भैरू जी के दर्शन किए हैं दोस्तों। अब आइए आगे भी आसपास के दर्शन कराता हूँ मार्केट के। रिंगज भैरू जी जयपुर से उत्तर दिशा में जयपुर सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप बस ट्रेन से पहुँच सकते हैं। वहीं रिंगस में रिंगस रेलवे स्टेशन होने के कारण दूर से आने वाले यात्री जैसे जयपुर और दिल्ली से आने वाले यात्री आराम से ट्रेन से पहुँच सकते हैं। मंदिर पुजारी बताते हैं कि उनके पूर्वज मंडोर जोधपुर से 500 वर्ष पूर्व आकर यहाँ बसे थे। उन्होंने यहाँ भैरूजू को थरपा था। इनके यहाँ आने से पुत्र प्राप्ति होने तथा दुख दर्द हरने से ये दिनों दिन प्रसिद्ध होता गया। पास में ही भैरूजी की जोड़ी है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग आदि रोग दूर होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नाइट व्यू में और मैं आपका अपना जिगरी रोहित। आज मैं आपको लेके आया हूँ भैरू जी के मंदिर जो है जयपुर में स्थित रिंगस। और मेरे साथ है मेरे साथी मेरे अजीज केला जी। जी मिलिए, ये है हमारे केला जी। मैं इनको लेके आया हूँ साथ में रिंगस के भैरू जी के दर्शन करने। तो दोस्तों आज का पूरा व्लॉग भैरू जी के ऊपर होगा। आज मैं आपको भैरू जी के पूरे दर्शन कराऊंगा और आसपास मार्केट के पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। रिंगस का भैरू जी थारो देवर और तो दोस्तों हम अंदर चल रहे हैं भैरू सिंह महाराज के दर्शन करने के लिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कुछ मंदिर के बारे में बताइए। मैं मामराज जी बोखा मंदिर पुजारी भैरू बाबा रिंगस। ये बाबा की आज आपको मैं बता रहा हूँ इनकी महिमा के बारे में। इनके जैसे मान लो जात और जड़ूले लगते हैं,
हर संडे की संडे मेला लगता है और बड़े मेले लगते हैं बाद में, तो बच्चों की जात जुड़े लगते हैं, शादी करके आते हैं उनकी गठजोड़े की जात लगती है यहाँ पे, जैसे कुल देवता उनके यहाँ पे गुलगुला पापड़ी और भी प्रसाद मदिरा बकरे का इनका भोग लगता है यहाँ पे। जैसे अब ये नवरात्र आएंगे तो 9 दिन यहाँ काफ़ी दिन भीड़ रहे, बच्चों की जात जुड़ने लगेंगे, उनकी मनोकामना जो बाबा। तो पंडित जी दूर दूर से हर शहर से आते होंगे? हाँ, सब दूर दूर से, जैसे पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात दूर दूर से, एमपी दूर दूर से तक आते हैं, यहाँ हर राज्य से यहाँ पे बताते हैं आते। अब जैसे मान लो इन बाबा की एक विशेषता है, 12 साल में एक बार बाबा के दर्शन करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अच्छा अच्छा, उनकी ये विशेषता है, ये शंकर का 5 रुद्रा अवतार है, 5 रुद्रा अवतार है। ये आज भी ये देखो, जैसे अपने मूर्ति के बाद में कूट बनाते हैं शमशान घाट, इनकी जरूरी चार में वैसे ही मदिरा का जो पान, ये मदिरा पान होती है, इनको निलाते हैं, ये पानी पीछे तालाब है उसमें जा रहा है, उसमें निकाल रहा है, पहले तो ये जैसे मदिरा यहाँ है इस पर डालते हैं, बाबा की मूर्ति पर डालते हैं, पानी बन जाता है, पानी बनने के बाद ये पानी है वो भी ये तालाब में जा रहा है। तो जैसे मान लो किसी के घोड़े पुंछी जो कुष्ठ रोग है ना, वो 100% यहाँ पे नहाने से और कपड़े छोड़ने से 100% गायब हो जाते हैं। दोस्तों, भैरू जी के मंदिर के पास में एक माता जी का मंदिर है जो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अभी वहाँ पर भी चलते हैं। दोस्तों पहले आप मंदिर के चारों तरफ का थोड़ा नज़ारा देखिए, यहाँ मंदिर के पास ही एक छोटा सा तालाब है दोस्तों, दोस्तों हम मंदिर के पास में ही एक माता जी का मंदिर है उधर चल रहे हैं, वहाँ पर आरती हो रही है, पहले माता जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। तो आप मेरे अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, देखिए दोस्तों ये रहा मंदिर, इस मंदिर में चलते हैं। तो हमने भैरू जी महाराज के दर्शन करने के साथ साथ भैरू जी मंदिर के पास में स्थित काली माता मंदिर में माता रानी के भी दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों आज यहाँ पर आकर। Thank you.
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हमने ग्रुप के साथ घूमने का प्लान बनाया था, तो खाटू जाने का प्लान था लेकिन किसी कारणवश नहीं गए, भैरव जी के दर्शन किए। अगला वीडियो जल्दी आएगा वो भी खाटू श्याम जी का। तो दोस्तों आज की वीडियो को तो प्यार दे देना और अब चाय का आनंद ले लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नई जगह पर। तो दोस्तों I'm not afraid to